हेलो स्पायरेंस, 16 फेब की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से जो आइटम्स पिकअप की गई है वो ये 16 है। हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम, इसरो लॉन्चेस 104 सैटेलाइट्स इन वन गो, क्रिएट्स हिस्ट्री। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सैटेलाइट लॉन्च किया है, पीएसएलवी C-37 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसमें 104 सैटेलाइट्स लोड की गई थी, तो टोटल पेलोड कैपेसिटी इसकी 1378 केजी थी। उसमें से 714 केजी जो मेन सैटेलाइट एक थी वो कार्टोसेट 2 सीरीज की सैटेलाइट थी इसरो की। तो कार्टोसेट, कार्टोग्राफी मींस रिलेटेड टू मैपिंग, एंड सैट इज सैटेलाइट। सो कार्टोसेट सैटेलाइट सीरीज काफी सारी लॉन्च हो चुकी है, ए बी सी डी। तो ये नेक्स्ट इन सीरीज थी कार्टोसेट 2 सीरीज में, और ये सैटेलाइट भी यूज करेंगे फॉर मैपिंग, इमेजरी प्रोवाइड करते हैं, वो कलर्ड ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस वो प्रोवाइड करते हैं। तो इट इज ऑल्सो हैविंग सम मिलिट्री एप्लीकेशन एज वेल, कार्टोसेट सीरीज। सो ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है। तो ये पीएसएलवी C-37 पे 104 सैटेलाइट साथ में थी। तो कार्टोसेट 2 के अलावा, सीरीज के अलावा जो दो और सैटेलाइट थी वो इंडियन थी, बाकी 101 सैटेलाइट फॉरेन थी। जो बाकी दो सैटेलाइट थी वो नैनो सैटेलाइट थी, मीन्स अराउंड 10 केजी सैटेलाइट। तो ये दो सैटेलाइट इसरो की नैनो सैटेलाइट, इनको INS कहा जाता है, INS दो सैटेलाइट लॉन्च की गई। तो क्योंकि हम नैनो सैटेलाइट भी लॉन्च करते हैं, यूनिवर्सिटीज और इवन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं इसरो से, तो वो फॉर वेरियस पर्पजेस सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म उनको देने के लिए इसरो ने नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए, तो ये एक प्लेटफॉर्म मिलेगा उन सैटेलाइट पेलोड्स को यहाँ पे लोड करने के लिए। तो ये एक स्टेप लिया गया है बाय इसरो। और जो बाकी 101 सैटेलाइट है उसमें से भी मेजर सैटेलाइट यूएस की है काफी सारी। एक तो डव सीरीज की सैटेलाइट है, तो वो अराउंड 88 सैटेलाइट है जो डव के लिए हमने लॉन्च किए। तो ये सैटेलाइट है कार्टोसेट 2 सीरीज की, फिर इंडियन नैनो सैटेलाइट INS 1A एंड 1B, और 88 डव सैटेलाइट यूएसए से है। इवन लेमुर सैटेलाइट यूएस ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानेट इंक, स्पायर ग्लोबल इंक, ये यूएस ऑर्गेनाइजेशन की 8 सैटेलाइट है। प्लस फिर 4 और सैटेलाइट जो है वो दूसरी कंट्रीज की जो है वो है, नीदरलैंड की है एक, स्विट्जरलैंड से, इसराइल से और यूए से। तो ये 4 और सैटेलाइट हमने लॉन्च किए, तो ये सारी फॉरेन सैटेलाइट है। तो ये सब लेस इन वेट है एक्चुअली, तो ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च की गई है। तो 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। प्रीवियस रिकॉर्ड ये रशिया ने लॉन्च किया है, अराउंड 37 सैटेलाइट इन वन गो इन 2014। नासा ने अब तक मैक्सिमम लॉन्च किए एक साथ 29 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए। इवन इसरो इटसेल्फ जून 2016 में जो पीएसएलवी का लास्ट लॉन्च हुआ था उसमें उन्होंने 20 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी, और अब दिस इज अ बिग जंप, 104 सैटेलाइट्स टुगेदर लॉन्च्ड बाय इसरो, एंड दिस हैज बीन सक्सेसफुली अचीव्ड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, अब ये लॉन्च हो गया एंड इट हैज बीन सक्सेसफुली डन। तो ये पीएसएलवी C-37 है। तो जो पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इंडिया का, वो काफी सक्सेसफुल रहा है। दिस इज 38th सक्सेसफुल मिशन इन अ रो। तो टोटल 39 फ्लाइट्स हुए पीएसएलवी के 1993 से। फर्स्ट फ्लाइट में दिक्कत आई थी, उसके अलावा बाकी सारी मिशंस अब तक की सक्सेसफुल रही। दिस इज अ रिकॉर्ड विच इट हैज। इसीलिए फॉरेन सैटेलाइट भी हमसे लॉन्च करवाते, क्योंकि हमारा सर्विसेज चीपर भी है और रिलायबल भी है। So that is the reason why even US satellites are being launched by India. तो ये एक है, और भी आगे जो है पीएसएलवी, एक तो चंद्रयान मिशन भी इन्होंने लॉन्च किया था, पीएसएलवी से लॉन्च हुआ था चंद्रयान 1 2008 में, और अभी दिसंबर 2017 में और एक लूनर मिशन है, ये प्राइवेट लूनर मिशन है टीम इंडस का। टीम इंडस एक बेंगलुरु स्टार्टअप है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन गूगल लूनर एक्स प्राइज, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। तो इसके अंदर ये लूनर एक्स प्राइज के लिए उनको लॉन्च करना है एक लूनर मिशन, तो इसीलिए उन्होंने इसरो की सर्विसेज के साथ अग्रीमेंट, इसरो के साथ अग्रीमेंट किया। तो इसरो पीएसएलवी ये लॉन्च भी करेगी 2017 दिसंबर में टीम इंडस का। तो ये है प्रेजेंट लॉन्च के बारे में, और ये पीएसएलवी है, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मींस द ऑर्बिट इज पोलार, इट्स कॉल्ड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। वो ऑर्बिट भी क्या होता है हम देखेंगे। तो जैसे ये लॉन्च हुआ तो ये अराउंड 505 किलोमीटर की हाइट पे ये यहाँ पे सारी सैटेलाइट, तो ये 97.46 डिग्री इंक्लिनेशन है, मतलब के इट्स क्लोज टू दी पोलर, पोलर से के ऊपर से ये ऐसे ऑर्बिट जाती है, हम देखेंगे वो भी। तो ये देखो, ये इग्निशन के बाद इट स्टार्टेड द लॉन्च, तो हर एक सैटेलाइट लॉन्च हुई, सेपरेट हुई और वो ऑर्बिट में डाली गई, फिर एक इंक्लिनेशन चेंज करने के बाद सैटेलाइट फिर से लॉन्च की गई। तो दो दो सैटेलाइट जो है नैनो सैटेलाइट भी, वो दो दो सैटेलाइट एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लॉन्च की गई, ताकि वो ऐसे ऑर्बिट में प्लेस हो सके कि ऑर्बिट में उनकी क्लैश ना हो। तो दिस विथ प्रिसीजन हैज बीन डन। वो 90 मिनट का एक ऑर्बिट होता है,
पोलार सैटेलाइट का ऑर्बिट होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, वो 90 मिनट का एक ऑर्बिट होता है सैटेलाइट का. तो ये 90 मिनट्स में उन्होंने ये सारे लॉन्चेस 12 मिनट्स में एक एक्यूरेट प्रिसीजन से ये कर दिए. तो दैट इज एन अचीवमेंट. और ये जो डव है, ये डव के बारे में बताया गया, जो डव यूएस सैटेलाइट्स की, ये जो 88 सैटेलाइट्स डव सैटेलाइट्स लॉन्च की गई है, तो दिस इज फॉर क्रिएटिंग अ यूनिक डेटा स्ट्रीम. तो ये मतलब के प्लैनेट अर्थ को स्कैन करती हुई सैटेलाइट्स होगी. तो ये 88 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई है. इनका यहाँ पे ये देखो, ये ऑप्टिकल एंड लेजर सेंसर्स है, पावर सप्लाई इनके लिए सोलर पैनल से जो इनके ऊपर रैप अप किए हुए हैं स्प्रिंग से. तो ये जब लॉन्च हो जाएगी तब वहाँ पे ऑर्बिट में दे विल ओपन अप, तो ये सोलर पावर से ये फंक्शन करेगी. यहाँ पे रेडियो एंटेनास भी है कम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट्स के साथ ग्राउंड स्टेशन के साथ कम्युनिकेट कर पाए. तो ये डव सैटेलाइट्स के बारे में बताया गया. और पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जो सैटेलाइट्स लॉन्च होती है वो जनरली फॉर रिमोट सेंसिंग के लिए यूज की जाती है. तो सारी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो पीएसएलवी से ही लॉन्च होती है. तो ये होती है इनकी ऑर्बिट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होती है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की. तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है कि एंगल बिटवीन द अर्थ सन लाइन, ये जो अर्थ सन लाइन है एंड द ऑर्बिट प्लेन ऑफ द सैटेलाइट रिमेन्स द सेम. तो ये ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द सैटेलाइट है, तो ये एंगल हमेशा सेम रहेगा. अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वेयर एवर इट मे बी, तो एंगल दिस एंगल विल रिमेन द सेम. तो उसको कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. तो ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ये ऑल्टीट्यूड अराउंड 700 टू 900 किलोमीटर के अराउंड होता है, 500 टू 800-900 भी जा सकता है. और ये सैटेलाइट्स भी रोटेट करती है. तो ये रोटेशन उनका जो एंगल होता है वो 81.82 डिग्री एंगल होता है, मतलब दे आर वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, वेरी क्लोज टू द पोल. तो ये थोड़ा इंक्लिनेशन ज्यादा बताया गया यहाँ पे, दे आर क्लोज टू द पोल मीन्स पोल के अराउंड ही वो रोटेट कर रही है. तो 90 डिग्री एंगल जो होता है, जो 81 टू 82 डिग्री इनका थोड़ा एंगल होता है, मतलब थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है, ये नियर द पोल होता है. तो ये ऐसे होता है. और ये ऑर्बिट टाइम पीरियड जो है, मतलब एक ऑर्बिट कंप्लीट करने को उनको 90 टू 100 मिनट्स लगता है. तो ये होता है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट. और सिंस ये पोल के ऊपर से ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब अर्थ इज रोटेटिंग अंडर इट, और ये 90 मिनट्स में एक पूरा रेवोल्यूशन कर रहे थे अराउंड द अर्थ, और अर्थ रोटेट हो रहा है इनके नीचे धीरे धीरे. इन 24 आवर्स इट विल कंप्लीट वन रोटेशन. तो दे आर एबल टू सी द एंटायर अर्थ, मतलब रिमोट सेंसिंग उनकी एक्टिविटी इसलिए क्योंकि अंडर इट दे हैव द अर्थ विच इज लोकेशन वो इजीली, और जो सन के पास लोकेशन है मतलब सनलाइट के अंदर है उनकी, इजीली वो इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग कर सकते. तो ये होती है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट. ये कार्टोसेट 2C भी जो है ये हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है. तो ये देखो, ये कार्टोसेट 2C प्रीवियस लॉन्च में हुई थी, ये अभी की जो लॉन्च है वो नेक्स्ट इन सीरीज है. तो ये रेजोल्यूशन इनका कलर इमेजेस के लिए भी 60 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स भी ले सकते हैं इन द विजिबल रीजन, मतलब लाइट सनलाइट जब है लाइट में वो ले सकते हैं पिक्चर्स. फिर इट इज कॉल्ड एज द आई, इंडियन आई इन द स्काई. तो ये मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करती है और सिविलियन पर्पजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं रिमोट सेंसिंग से जो डेटा मिलता है. तो इट कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पजेस, मिनरल्स ट्रैक करने के लिए, चेंजेस इन रिसोर्सेज ट्रैक करने के लिए, वेजिटेशन ट्रैक करने के लिए, काफी सारे इन्फॉर्मेशन इनसे मिलते हैं. तो लैंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम LIS और GIS जो होते हैं जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये डेटाबेसेस इनसे मेंटेन किए जा सकते हैं, ये डेटा प्रोवाइड करते हैं उनके लिए. फिर अगला न्यूज आइटम है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टू हियर दिल्ली सेंटर टर्फ डिस्प्यूट. तो ये डिस्प्यूट है बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली इज रिप्रेजेंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर. तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनके क्या पावर्स है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, दिल्ली में इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर आते हैं. तो एक्चुअली यूनियन टेरिटरी सात है, पर सात में से दो यूनियन टेरिटरीज है. दिल्ली को तो स्पेशल स्टेटस भी दिया गया है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और दूसरी पांडिचेरी पुडुचेरी. तो ये दो यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और यहाँ इलेक्शंस भी होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं. तो जब दैट इज स्टेट लाइक, तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि स्टेट्स इलेक्टेड बॉडीज से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स उनको रूल करते, उनको एडमिनिस्टर करते, और जो यूनियन टेरिटरीज है दोज आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंटर. तो अगर यूनियन टेरिटरीज में अब गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, तो फिर उनका रिलेशन कैसे होगा. मींस इट इज अ यूनियन टेरिटरी जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मेजर ऑल कंट्रोलिंग अथॉरिटी होते हैं, डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द सेंटर, एंड सेंटर को कम्युनिकेट करके डायरेक्टली वो यूनियन टेरिटरी को रेगुलेट करते हैं, गवर्न करते. तो वही यहाँ पे इशू आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है ये सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने डिसाइड किया कि दिस इज रिक्वायर्स अ हियरिंग बाय लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. तो ये उन्होंने डिसाइड किया.
तो ये केस स्पेशल लीव पेटिशन फाइल किए गए हैं बाय दिल्ली गवर्नमेंट, जो आप गवर्नमेंट इन पावर है के सुप्रीम कोर्ट में। तो ये उन्होंने 7 स्पेशल लीव पेटिशन फाइल किए दिल्ली गवर्नमेंट में चैलेंजिंग द दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट। तो अगस्त 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल के पावर्स है पूरे पुलिस इन द यूनियन टेरिटरी दिल्ली में, पुलिस, लैंड, पब्लिक ऑर्डर, सर्विसेज सब पे लेफ्टिनेंट जनरल के पावर्स है। तो देन लेफ्टिनेंट जनरल एड एंड एडवाइस मिलता है उनको बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इन पावर। तो जैसे हम गवर्नर इन स्टेट्स मानते हैं, तो गवर्नर इन स्टेट्स हैव टू अबाइड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर, स्टेट गवर्नमेंट इन पावर। तो क्या वो रिलेशन यहाँ यूनियन टेरिटरी में नहीं आएगा जब इलेक्टेड गवर्नमेंट है? तो ये कैसा रिलेशन है फिर? इज ही बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑर नॉट? If it is not, he is not bound, then what is the purpose of the elected government? उसका क्या रोल, कैसे रोल होगा? तो ये question raise किया गया है। तो ये question अब constitutional bench देखेगी। और एक question जो आप government raise कर रही है वो ये है कि क्या ये dispute जो है, ये dispute क्या center state dispute है? तो if it comes as a center state dispute, तो वो center state disputes पे ये सिर्फ supreme court का jurisdiction है, original jurisdiction मात्र है, high court में center state disputes नहीं आ सकते। तो दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये अगस्त 2016 में उन्होंने जजमेंट दिया, उन्होंने कहा ये कोई सेंटर स्टेट डिस्प्यूट नहीं है, तो वी कैन एडजुडिकेट ऑन इट। बट ये आप गवर्नमेंट ये भी क्वेश्चन रेज कर रही है कि अगर ये सेंटर स्टेट डिस्प्यूट माना जाता है तो दिल्ली हाई कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है और ये जजमेंट का कुछ मतलब नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट रेज किया गया है। और फाइनली ये भी पॉइंट है कि पहले भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अपॉइंट की गई थी 1996 में, 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है फॉर टैक्सेशन पर्पसेस। सो टैक्स कलेक्शन वगैरह के लिए दिल्ली विल एक्ट एज अ यूनियन टेरिटरी। तो गवर्नमेंट हैज सेंट्रल गवर्नमेंट और द लेफ्टिनेंट जनरल द रिप्रेजेंटेटिव हैज द एब्सोल्यूट पावर्स। तो ये अब जो भी जजमेंट यहाँ पे होगा वो इस जजमेंट को भी, ये जजमेंट से भी अफेक्ट होगा। मींस इधर द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट्स अ लार्जर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच देन द 9 जज बेंच टू, मतलब 11 जज बेंच अगर इस पे एडजुडिकेट करेगी तो ये जजमेंट को वो सुपरसीड कर सकते हैं, वरना ये ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है विच इज अगेंस्ट द दिल्ली इलेक्टेड गवर्नमेंट एक्चुअली, कि टैक्सेशन के लिए उनके पास पावर्स नहीं है, बट इट्स ओनली लिमिटेड टू दिस टैक्सेशन पर्पस। और फिर आप गवर्नमेंट ने के रिप्रेजेंटेटिव जो है सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम, उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि ये पेटिशन जो स्पेशल लीव पेटिशन फाइल किए, कि ये इसलिए नहीं है कि हमको फुल स्टेटहुड चाहिए दिल्ली के लिए। वी आर नॉट डिमांडिंग फुल स्टेटहुड, वी आर आस्किंग फॉर मोर फ्रीडम फॉर द इलेक्टेड गवर्नमेंट टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न द कैपिटल। हमारे पास कोई पावर्स ही नहीं होगी तो हम कैसे एडमिनिस्टर का गवर्न करेंगे, वो उनका कंसर्न है हर चीज में। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही अपना डिसीजन लेगे और उनकी कोई बात मानी नहीं जाएगी, तो देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट? तो अभी इस पे ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाएगा। तो ये 2 जज बेंच ने रेफर किया है इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, तो अब आगे इस पे ऑफ कोर्स न्यूज आएगा एंड इट विल बी इंपॉर्टेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इशू। फिर अगला न्यूज आइटम है कैबिनेट नॉट फॉर SBI मर्जर विद 5 बैंक्स। तो ये कैबिनेट ने ऑलरेडी अनाउंस कर लिया था इन मई 2016 के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और 5 एसोसिएट बैंक से जो ये मर्ज की जाएगी। पर ये मर्जर के लिए अब उन्होंने इवन व्यू पॉइंट्स मांगे थे फ्रॉम ऑल दी बैंक्स। तो अब उनके व्यू पॉइंट्स लेने के बाद, सजेशंस लेने के बाद, सब डिसाइड फाइनली किया गया बाय कैबिनेट कि ये मर्जर अप्रूव किया जाता है। तो अब ये शेड्यूल्ड है फॉर मार्च 2017 द बैंक्स वुड गेट मर्ज। तो बैंक्स मर्जर की वजह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी, सब पूरा फंड, कलेक्टिव फंड जनरेट होगा, कॉस्ट ऑफ फंडिंग रिड्यूस होगा इनका, तो एनहांस्ड कैपेबिलिटीज हो जाएगी इनकी, इसकी वजह से सेविंग्स होगी। तो ये है SBI मर्जर के प्लान्स। इवन और एक बैंक है भारतीय महिला बैंक जो रिसेंटली एस्टैब्लिश की गई थी थोड़े सालों पहले, तो इसको भी मर्ज किया जाएगा विद SBI। तो ये सारे 5 एसोसिएट बैंक्स मर्ज किए जाएंगे। पहले भी मर्जर हो चुका है ऑफ दीज एसोसिएट बैंक्स 2008 और 2010 में, तो सारे ब्रांचेस मर्ज हो जाएगी। SBI ने ये भी कहा है कि जो लार्जर ब्रांच है, ब्रांच नेटवर्क है जो SBI का, वो बेनिफिट इवन एसोसिएट बैंक के कस्टमर्स को मिलेगा, इवन फॉरेन ब्रांचेस जो वगैरह है सब उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये कैपिटल उनका बढ़ जाएगा, ओवरऑल कैपिटल ऑफ द बैंक्स बिकॉज ऑफ द मर्जर। फिर अगला न्यूज आइटम है क्लाउड्स ओवर महाराष्ट्र विल हैव अ सिविल वॉर आयोडाइड लाइनिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये प्लान पहले किया हुआ है कि सिल्वर आयोडाइड लोड किया जाएगा ऑन एन एयरप्लेन और इसको क्लाउड्स के ऊपर डाला जाएगा। तो क्लाउड्स विल बी सीडेड विद दिस सिल्वर आयोडाइड। तो ये सीड्स जैसे बीज होते हैं, बीज की तरह ये डाले जाएंगे क्लाउड्स में। तो सिल्वर आयोडाइड एक पार्टिकल ऐसे फंक्शन करता है कि ये इसके अराउंड
वाटर वेपर्स अक्यूमुलेट हो जाए, तो इट रिजल्ट्स इन लार्जर वाटर वेपर अक्यूमुलेशन, वाटर ड्रॉपलेट्स बड़े हो जाते हैं और इसकी वजह से क्लाउड्स भर जाते हैं और ज्यादा रेनफॉल होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी चाइना ने किया है, 2008 ओलंपिक्स में भी इन्होंने टेक्निक यूज की थी कि एल्सवेयर क्लाउड सीडिंग किया जाए ताकि जो ओलंपिक एरिया है वहां पर रेनफॉल ना हो, ऐसे उन्होंने किया था। प्लस ऑल्सो अभी भी वो यूज करते हैं फॉर रीजंस वेयर दे रिक्वायर रेन। ऑल्सो रेनफॉल्स की वजह से एयर पोल्यूशन भी कम हो जाता है, क्योंकि एयर में जो पोल्यूशन पार्टिकल्स है पोल्यूटेंट्स, वो सारे रेनफॉल के साथ आ जाते, नीचे आ जाते, तो इट क्लियर्स एयर पोल्यूशन टू। तो ये उसके बेनिफिट्स होते हैं। क्लाउड सीडिंग ऑलरेडी सक्सेसफुली चाइना में किया है, हम अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का एक लार्जर एक्सपेरिमेंट भी, उसके अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। ये मानसून 2016 में ही करना था पर हो नहीं पाया, क्योंकि तब मानसून रेनफॉल ही हैवी थी। तो अब मानसून 2017 में किया जाएगा। तो ये विदर्भ रीजन जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पे रेनफॉल डेफिशिएंट होती है, तो ये ड्रॉट अफेक्टेड रीजन है। तो ये सोलारपुर डिस्ट्रिक्ट जो ये विदर्भ में ही आती है, यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा इन मानसून 2017। तो प्लान ये है कि दो एयरक्राफ्ट स्प्रे करेंगे सिल्वर आयोडाइड ऑन 100 क्लाउड्स, और फिर ये 100 क्लाउड्स को और 100 अनसीडेड क्लाउड्स के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो ग्राउंड रडार्स होंगे जो ये कंपेयर करेंगे कि इनसे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है रेनफॉल का, वेदर दिस इज सक्सेसफुल ऑर नॉट। तो ये प्लान है। सो हाउ इट वर्क्स, यू कैन सी सिल्वर आयोडाइड डालते, सो दीज पार्टिकल्स एक्ट एज बेस फॉर वाटर वेपर टू सेटल, और ये बड़े वेपर्स बड़े वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। अगला न्यूज आइटम है डीएमआरसी टू ब्रिंग इन वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांजिट रेटिंग सिस्टम। तो ये डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अग्रीमेंट साइन किया है विद टू ऑर्गेनाइजेशंस, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन। तो ये दोनों ये सब मिलके ये लोग अनाउंस करेंगे एक लीड फॉर ट्रांजिट रेटिंग सिस्टम। सो लीड क्या है? लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। तो ये लीड सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं, इवन लीड इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। तो प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग ओनर्स एंड ऑपरेटर्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिकल ग्रीन बिल्डिंग सोल्यूशन। सो ग्रीन बिल्डिंग के लिए क्या प्रोविजन लाने चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, वो बताते हैं और सर्टिफिकेशन देते हैं कि भाई ये ग्रीन बिल्डिंग है, ऐसे कुछ है, ग्रीन यू नो यूनिट है ऐसे। तो ये लीड जो है, तो ये लीड वो लोग ट्रांजिट रेटिंग सिस्टम बना रहे हैं। तो दिस दे विल प्रोवाइड अ लीड फॉर ट्रांजिट रेटिंग सिस्टम। सो ट्रांजिट मीन्स ट्रांजिट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिस विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर मेट्रो नेटवर्क्स। सो मेट्रो नेटवर्क्स के लिए एक रेटिंग सिस्टम बनाया जाएगा कि कैसे रेटिंग करना चाहिए, उसके क्या पॉइंट्स होने चाहिए उसके, और कैसे सर्टिफिकेशन देना चाहिए। तो ये ट्रांजिट रेटिंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा अंडर डीएमआरसी। तो डीएमआरसी में ये परफॉर्मेंसेस ट्रैक किए जाएंगे, तो जैसे कि 5 कैटेगरीज पे ये परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाएगा, एनर्जी, वाटर, वेस्ट, मतलब कैसे एनर्जी एफिशिएंटली यूज होती है, वाटर एफिशिएंसी यूज, वेस्ट डिस्पोजल एफिशिएंटली किया जाता है, इवन वेस्ट जनरेशन मिनिमाइज, ट्रांसपोर्टेशन कैसे इफेक्टिवली होता है, और ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये 5 कैटेगरीज पे ये असेसमेंट किया जाएगा और ये ट्रांजिट रेटिंग सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांजिट रेटिंग सिस्टम, तो ये किया जाएगा। तो इसके बारे में ये न्यूज है। तो फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू डेफर एसवाईएल केस हियरिंग। तो ये है सतलेज यमुना लिंक कनाल डिस्प्यूट। तो ये बहुत पुराना डिस्प्यूट है जिसके ऊपर अब फाइनल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की आनी है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट को कि ये हियरिंग जो है वो आप डिले करो, तो ये असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आ जाए मार्च 11 पे, उसके बाद इसकी हियरिंग होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टर्नली रिएक्ट किया और कहा कि ये नहीं हो सकता, दे हैव रिजेक्टेड दिस रिक्वेस्ट। क्योंकि ऐसा रिक्वेस्ट पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है कि हियरिंग को पोस्टपोन किया जाए, यहाँ पे तो उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि जजमेंट को ही पोस्टपोन किया जाए, दैट वाज इन द जलीकट्टू केस। अब यहाँ पे जब ऐसा कोई रिक्वेस्ट किया गया कि हियरिंग बाद में किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा कि हियरिंग होगा, सुप्रीम कोर्ट पंजाब को अपना रिस्पॉन्स देना होगा असेंबली इलेक्शन से, इसका कोई डिले नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत पुराना केस है, ये आप देख सकते हैं सतलेज एंड यमुना रिवर्स, ये दो यहाँ पे है। तो सतलेज यमुना लिंक कनाल यहाँ पे डेवलप करने का प्लान है ये। तो ये है सतलेज रिवर जो पंजाब से आप देख रहे फ्लो करती है, और हरियाणा है, तो पंजाब हरियाणा दो सेपरेट स्टेट्स बनाए गए विद चंडीगढ़ एज द कैपिटल, कॉमन कैपिटल। तो ये हरियाणा में कम रिवर
उनको बेनिफिट्स यहाँ से कम मिलेंगे क्योंकि सेपरेट हो जाएंगे, तो इसीलिए यह इनिशिएटिव लिया गया कि सतलज यमुना को लिंक किया जाए ताकि हरियाणा को भी बेनिफिट्स मिले। तो बाद में पंजाब हरियाणा का अग्रीमेंट भी फाइनलाइज हुआ इन दोनों के बीच के ये किया जाएगा। लैंड एक्विजिशन किया गया फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस कनाल। हरियाणा ने ये देखा आप सॉलिड लाइन है तो ये उन्होंने डेवलप कर भी लिया है। ये 92 किलोमीटर कनाल इज ऑलरेडी डेवलप्ड और यहाँ पे लैंड अक्वायर किया गया पर अब तक कंस्ट्रक्शन वर्क का पंजाब ने स्टार्ट नहीं किया। दिस इज लाइक डेकेड्स ओल्ड, अब तक वो लोग नहीं कर रहे। इवन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि एक साल में कम्प्लीट होना चाहिए पर उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। तो ये कंसर्न यहाँ पे चल रहा है जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट है। तो इवन पंजाब ने बाद में एक एक्ट पास किया, दिस वॉज इन 2004 पंजाब ने एक एक्ट पास किया। हर बार सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि बनाओ, वो नहीं बनाते थे। पंजाब ने एक एक्ट पास किया इन 2004 डिस्चार्जिंग इटसेल्फ फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू शेयर वाटर। मतलब उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो सतलज का रिवर शेयर कर वाटर शेयर करे विद हरियाणा। तो ऐसा एक्ट जब उन्होंने पास किया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दिया डाला टू सुप्रीम कोर्ट कि अपना ओपिनियन दे। तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भी एक जुरिसडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का कि प्रेसिडेंट उनको रेफर कर सकते हैं कोई मैटर फॉर द ओपिनियन, तो वो ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट को उनको देना होता है। तो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो 2004 का था उस पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया और नवंबर 2016 में वो आया कि SYL अग्रीमेंट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो लोग अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज इटसेल्फ फ्रॉम, मतलब ये गिव अप नहीं कर सकते, उनको ये फुलफिल करना ही होगा। तो ये जजमेंट आया है। और इस बीच में मार्च 2016 में पंजाब ने और एक एक्ट पास किया पंजाब लेजिस्लेचर ने कि पंजाब सतलज यमुना लिंक कनाल ट्रांसफर ऑफ प्रोप्राइटी राइट्स। तो जो लैंड अक्वायर किया गया था वो उनको फिर से फार्मर्स को रिटर्न करना था, तो ये प्री इलेक्शन एक स्टेप लिया गया। तो इसके ऊपर भी सस्पेंशन ऑर्डर फाइल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इस पर स्टेटस को रहेगा जो इसके पास जो लैंड है रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो ये पॉइंट था। तो अब इस पर आगे हियरिंग होनी है पर पंजाब कह रही है हियरिंग डिले पर। फिर अगला न्यूज आइटम है अगेन इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। बजाज पैनल फेल्स टू मेक हेडवे। तो ये एक्सपर्ट सेंट्रल कमेटी अपॉइंट की गई थी हेडेड बाय AK बजाज, ही इज अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन। तो इनको फंक्शन ये दिया गया था कि एक मैकेनिज्म सजेस्ट करे कि कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड अपनी ड्यूटीज कैसे इंप्लीमेंट कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है और कृष्णा रिवर वाटर है उनके बेसिन के रिपेरियन स्टेट्स जो है वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और ये कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो फर्स्ट ट्रिब्यूनल था हेडेड बाय मिस्टर बचावत, ये बचावत ट्रिब्यूनल ने 1976 में अवार्ड दिया था। उसके बाद रिव्यू ऑफ द ट्रिब्यूनल किया गया तो रिव्यू ट्रिब्यूनल ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया जिन्होंने अपना प्रोविजनल अवार्ड 2010 में दिया। इवन फाइनल अवार्ड भी इनका 2014 में आ गया। तो ये उस बेसिस पे एलोकेशन ऑफ वाटर किया गया टू ऑल द थ्री स्टेट्स। बट 2014 बाद में ये तेलंगाना स्टेट एस्टेब्लिश किया गया तो उस वजह से यहाँ पे उनको कितना शेयर मिलना चाहिए उस पर क्वेश्चन रेज हुआ। तब आंध्र प्रदेश तेलंगाना ने कहा कि फिर से पूरा रीअलोकेशन किया जाए पर महाराष्ट्र कर्नाटका स्टेट्स इसके अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा जितना आंध्र को अलोकेट किया गया उतना उसमें से ही आंध्र तेलंगाना में बायफोकेट किया जाए। तो यही अपहोल्ड किया गया कि ऐसे ही किया जाएगा, ये बायफोकेट किया जाएगा। तो अब किसको कितना शेयर मिलना चाहिए उस पर क्वेश्चन है। तो ये एक बजाज कमेटी भी जो सेटअप की गई तो उनको इस पे मैकेनिज्म सजेस्ट करना है कि कैसे ये किया जाए। तो इन्होंने अभी विजिट किया दोनों स्टेट्स को फॉर द लास्ट 3 days दे स्टडीड द डिस्प्यूट पर उनको ये समझ में आ गया कि इशू इतना इजीली रिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड्स अपनी स्टैंड पे अड़े हैं। वाटर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट में ऐसी डिफिकल्टीज आती है क्योंकि हर स्टेट अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, दे डोंट लुक एट द लार्जर पिक्चर। और ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो वो अपने स्टेट के बेनिफिट्स को ही देखते, वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नहीं देखते। तो इस वजह से कभी डिस्प्यूट्स रिजॉल्व ही नहीं होती, देयर इज ऑलवेज अ स्टैंड ऑफ। तो वो भी यही कह रहे अगर दोनों इश्यूज बोथ स्टेट्स कोऑपरेट करेगी तो ये इशू रिजॉल्व हो सकता है वरना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। तो ये उन्होंने क्लैरिफाई किया है, उन्होंने कहा हम जो डेटा कलेक्ट किया हमने वो स्टडी करेंगे और फिर आगे अपना पॉइंट्स रखेंगे। तो ये उनको स्टेटमेंट आया है। प्लस इवन दोनों स्टेट्स ने एक और पॉइंट सामने रखी, दिस वॉज रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ गोदावरी वाटर टू कृष्णा बेसिन। तो गोदावरी और कृष्णा को, गोदावरी वाटर को कृष्णा बेसिन से लिंक किया जा रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो गोदावरी कृष्णा लिंकिंग ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने मेजर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज पत्ती सीमा प्रोजेक्ट जिसपे फास्ट ट्रैक पे वर्क किया गया। प्लस तेलंगाना भी थोड़ा इनिशिएटिव ले रहे फॉर ट्रांसफरिंग गोदावरी वाटर टू कृष्णा। तो ये एस्पेक्ट को कंसीडर करके इंटर बेसिन ट्रांसफर जब हो रहा है
ये एस्पेक्ट को कैसे कंपेंसेट किया जाए, उसको कैसे कंसिडर किया जाए, उस पर भी जब क्वेश्चन स्टेट्स ने बताया कमेटी को, तो उन्होंने कहा ये हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं, इसके लिए तो वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ही डिसाइड कर सकता है, वी कांट एडजुडिकेट ऑन दिस, वी आर नॉट गिवन पावर फॉर दैट एस्पेक्ट। तो वही है, तो ये पॉइंट्स भी रेज की गई। पत्ती सीमा प्रोजेक्ट भी आप देख सकते हैं, ये है तो इट्स लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो ये पोलावरम कनाल जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बना रही है, तो ये पत्ती सीमा है, यहाँ पे गोदावरी रिवर से ये कनेक्ट होके कृष्णा रिवर को कनेक्ट हो रहा है, तो ये पूरा कनाल 174 किलोमीटर लॉन्ग कनाल बनाया जाएगा, तो यहाँ पे कृष्णा बेसिन में जहाँ पे डेफिशिएंसी हो रहा है, तो यहाँ से वाटर पहुंचेगा यहाँ पे। अगला न्यूज आइटम है, कांट एडवांस रफेल डिलीवरीज दसॉल्ट। तो दसॉल्ट एविएशन ने कहा है कि जो रफेल फाइटर जेट्स ऑर्डर किए गए हैं बाय इंडिया, दैट इज 36 जेट्स ऑर्डर किए गए 2016, उनकी डिलीवरी शेड्यूल्ड है 2019 और 2022 के बीच, पर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने कहा है कि ये अगर जल्दी की जाए डिलीवरीज तो बेटर रहेगा, पर डसॉल्ट के सीईओ ने कहा है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जेट्स को इंडियन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कस्टमाइज किया जा रहा है, तो इट विल टेक टाइम, जल्दी डिलीवरी नहीं हो सकती, उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए तो ये 36 जेट्स बहुत कम है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा, तो अगर उसके लिए उनको ज्यादा जेट्स लेनी होगी। एंड दसॉल्ट एक्चुअली MMRCA कॉन्ट्रैक्ट जीत चुके थे, सो दैट वाज द कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था, तो MMRCA कॉन्ट्रैक्ट मतलब मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सो ये उसके लिए जो सिलेक्ट हुए थे फाइनली रफेल, तो रफेल इज अ कंपनी दसॉल्ट रफेल फ्रॉम रफेल फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ दसॉल्ट कंपनी फ्रॉम रशिया फ्रॉम फ्रांस, तो ये फ्रेंच एयरक्राफ्ट है। तो बाकी जो थे यूरो फाइटर ग्रिपेन MiG-35, तो ग्रिपेन स्वीडन की है, यूरो फाइटर यूरो की है, यूरोप से है, यूके से है, और MiG-35 रशिया की, तो ये सारे फाइटर्स को विन ओवर करके फाइनली रफेल को सिलेक्ट किया गया था, बट ये फाइनल निगोसिएशंस में डेडलॉक हो गया, उन्होंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना किया, 108 फाइटर्स ऑर्डर किए गए का कॉन्ट्रैक्ट था ये, तो उन्होंने प्राइस हाइक भी किया और मेक इन इंडिया में भी उन्होंने थोड़ी इश्यूज बताए, इसीलिए ये फाइनली कॉन्ट्रैक्ट सी थ्रू नहीं कर पाया, और बिकॉज इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए एक डिसीजन फाइनली लिया गया कि 36 रफेल्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील से फ्रांस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की गई और ये 36 रफेल्स दी जाएगी, तो उसी की ये न्यूज थी कि ये रफेल्स जल्दी दी जाए, पर उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, और ये भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को इसको स्क्रैप किया गया फाइनली, बिकॉज निगोसिएशंस फाइनली डिड नॉट रिजल्ट इन एनी कमिंग थ्रू ऑफ दिस। तो ये MMRCA के जो कंटेंडर्स थे वो यहाँ पे दिखाए गए, यूरो फाइटर और ये MiG-35 रशिया से, रफेल साब की ग्रिपेन, तो ये सारे यूरो फाइटर्स थे। अभी भी गवर्नमेंट ने और एक इनिशिएटिव लिया है, ये 57 कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट का टेंडर निकलेगा इंडियन नेवी का, तो ये भी हमने न्यूज में देखा था कि जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल करती है, क्योंकि वो कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट नहीं है, जो शिप्स जो होती है नेवल शिप्स वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, उस एयरक्राफ्ट उसमें से टेक ऑफ करने के लिए पॉसिबल होना चाहिए, पर तेजस की इंजिन इतनी स्टर्डी नहीं है, सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, तो वो पॉसिबल नहीं होगी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, इसीलिए इसका भी टेंडर अब है 57 कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट, तो दसॉल्ट ने कहा हम उसके लिए भी बिड करेंगे, तो सेम ये काफी सारे इसके लिए बिड किया जाएगा, तो वो है। और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने क्लियरली कह दिया है कि इंडिया डज नॉट इंटेंड टू ऑर्डर एनी मोर रफेल्स नाउ, बस ये 36 रफेल्स ही हम लेंगे, तो अब ये टेंडर मिलेगा कि नहीं वो हम आगे देखेंगे। तो इवन स्वीडन साहब, ये भी उसी के रिलेटेड न्यूज है, स्वीडन हैज US नॉट टू सेल ग्रिपेन जेट्स टू इंडिया, तो स्वीडन ये जो ग्रिपेन जेट्स है हमने अभी देखा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने कहा था कि सारी फॉरेन कंपनीज जो डील्स में कॉम्पीट कर रही है मेक इन इंडिया के लिए, उनको अपने गवर्नमेंट से क्लियरेंसेज लेने होंगे कि उनकी गवर्नमेंट अलाउ करती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए, तो स्वीडन ने भी कहा है हमने क्लियरेंस लिया है, हमने इनिशियल क्लियरेंस USA से भी लिया है, क्योंकि ग्रिपेन फाइटर है उनकी इंजिन अमेरिकन है, उन्होंने इनिशियल क्लियरेंस USA से भी है, वो भी उन्होंने रिट्रेट किया, एंड इट इज कीन टू गेट दिस टेंडर एंड मेक इन इंडिया के लिए भी वो रेडी है। फिर अगला न्यूज आइटम है, बिल सीक्स टू कर्ब एक्स्ट्रावेजेंट वेडिंग्स, तो ये प्राइवेट मेंबर बिल है, मैरिज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बिल 2016। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है हम देखेंगे, तो ये जो बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें क्या होगा, एक लिमिट किया जाएगा ऑन द नंबर ऑफ गेस्ट्स एंड डिशेस सर्व्ड इन वेडिंग्स,
मतलब अगर 5 लाख से ज्यादा अगर एक फैमिली इंटेंड करती है एक्सपेंडिचर करने के लिए मैरिज के लिए, तो उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले से कि कितना अमाउंट वो स्पेंड करने वाले हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और इसका 10% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस अमाउंट शुड गो टू अ वेलफेयर फंड, और ये वेलफेयर फंड एस्टेब्लिश किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट जो भी डेजिग्नेट किए जाएंगे, और ये यूज किया जाएगा टू असिस्ट पुअर एंड बीपीएल फैमिलीज, जब वो अपने डॉटर्स की मैरिज करवा रही है तो उसमें असिस्ट करने के लिए पैसा यूज किया जाएगा। तो दिस इज टू कैप एक्स्ट्रावेजेंट वेडिंग्स। और एक प्रोविजन इसमें वो ये है कि सारी मैरिजेस जो होती है वो शुड बी रजिस्टर्ड विद इन 60 डेज ऑफ द सोलेमनाइजेशन। मैरिजेस रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा तो ये हो पाएगा। मैरिजेस रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, और एक पार्ट है क्योंकि इंडिया में मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है बिकॉज मैरिजेस सिविल लॉ है, और सिविल लॉज हर रिलीजन के हिसाब से जैसे अलग है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कल भी, तो सिंस ये अलग है सिविल लॉज, तो मैरिजेस रजिस्टर नहीं किए जाते गवर्नमेंट के पास, नहीं तो मतलब वो लॉ के अगर रिलीजियस लॉ के हिसाब से मैरिज हुई तो मैरिज अप्रूव्ड है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया जाएगा तो वो एक एस्पेक्ट भी आता है। जैसे एक एस्पेक्ट था इवन इन साउथ अफ्रीका, जब महात्मा गांधी सत्याग्रह इनिशिएट किया उन्होंने इन साउथ अफ्रीका अपार्थाइड गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो तब वहां पे ये भी एक बात थी कि गवर्नमेंट ने कहा था कि सारी मैरिजेस रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, सो दैट वाज कंसिडर्ड एज एन इंसल्ट टू देयर वाइफ्स कि जो मैरिजेस हमने सोलेमनाइज किए उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो दैट वाज अ कंसर्न देयर। But then that was under a colonial apartheid regime. So, yeah, under government of India, this is possible. There is no objection as such to this. But then this is a step moving closer to uniform civil code also. Because civil law, jab ekhar marriage is register karne padege, to wo ek point bhi aata hai ki civil laws ek jaise ho sakte hai, marriage is jab register ho rahi hai to. Par wahi hai, marriages kaise hogi, wo to har religion apne hisab se karega. और ये प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? अब प्राइवेट मेंबर बिल मींस अ बिल विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एमपी। तो लोकसभा में सब एमपीज हैं, एमपी है पर वो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी का नहीं, तो दैट इज कॉल्ड या तो गवर्नमेंट बिल होगा या प्राइवेट मेंबर बिल होगा। तो गवर्नमेंट जब बिल इंट्रोड्यूस करती है तो लोकसभा में मेजोरिटी है तो इजिली पास हो जाते हैं, तो जनरली बिल्स गवर्नमेंट बिल होते हैं, पर अगर प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो प्राइवेट मेंबर बिल को पास होने के लिए गवर्नमेंट का भी सपोर्ट लगेगा, तब तक वो हो नहीं पाएगा क्योंकि अपोजिशन के पास इतना बाकी लोग इतना तो मेजोरिटी होती नहीं है, तो वो एक पॉइंट है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स पास होना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये तो अब देखते हैं इस बिल का क्या स्टेटस होगा। अगला न्यूज आइटम है, इंडिया सेज डेलीगेशन फ्रॉम ताइवान इज नॉन पॉलिटिकल। तो इंडिया में एक ताइवान डेलीगेशन आया था जिन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया कि ताइवान इंडिपेंडेंस जो है ये एक इंटरनेशनल रियलिटी है कि ये ताइवान को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट जब उन्होंने रेज किया तो बीजिंग ने इसके ऊपर अपना डिप्लोमेटिक अपोजिशन दिखाया, तो इंडिया ने उस पर रिस्पॉन्ड किया है कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, ये विजिट जो थी डेलीगेशन फ्रॉम ताइवान, ये आते हैं जैसे एकेडमिक्स आते हैं, बिजनेस पर्सन आते हैं, फॉर टूरिस्ट रिलीजियस पर्पजेस विजिट करते, तो वैसे ये चाइना में भी विजिट करते, वैसे इन्होंने विजिट किया यहाँ पे, इसमें कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था कोई, क्योंकि एक था डिनर भी होस्ट किया गया था बीजेपी लीडर इन ऑनर ऑफ दिस डेलीगेशन, इसीलिए चाइना ने रेस किया क्योंकि चाइना बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी, और ये ताइवान डेलीगेशन वन चाइना पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे थे और इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। तो ये वन चाइना पॉलिसी भी क्या है हम देख लेते फिर से एक बार, ये है चाइना, ये है ताइवान यहाँ पे। तो ताइवान एक आइलैंड नेशन मतलब इंडिपेंडेंट नेशन नहीं माना जाता, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, तो ये रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी और आरओसी कहा जाता है। तो ताइवान भी बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अप टिल देन इट वाज यू नो लेटर अंडर जापान, सो जापान के कंट्रोल में थे ये 1921 से। तो जापान रूल ताइवान में फाइनली एंड हुआ आफ्टर इट लॉस्ट इन वर्ल्ड वॉर टू, तो जब जापान रूल एंड हुआ तो ये फिर से चाइनीज गवर्नमेंट के अंदर आ गई, तो जब तब जो गवर्नमेंट थी उसको कॉमिनटांग गवर्नमेंट कहा जाता है, चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी कंट्रोल में थी, तो उन्होंने ताइवान पे भी कंट्रोल ले लिया, पर चाइना में जो पीपल्स रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना और कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई, तो ये जो कॉमिनटांग थी वो ताइवान में सेटल हो गई और उन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल डिक्लेयर कर दिया कि पूरा मेनलैंड चाइना पे हमारा ही वो गवर्नमेंट थे पर अब वो एग्जाइल में है इन ताइवान, तो ये रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा इन्होंने अपने आप को, बाकी मेनलैंड चाइना में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। तो ये यूएन में भी इनका स्टेटस यही है कि पहले जो ये यूएन सीट ओरिजिनली थी वो एक्चुअली आरओसी जो अभी ताइवान में गवर्नमेंट है उनकी थी, उनके पास चाइना यूएन सीट थी और ये 1971 तक उनके पास ही रही,
फिर 1971 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को ये यूएन सीट मिल गई और अब तक वही है परमानेंट मेंबर। इट्स अ यूएन सीट विद परमानेंट मेंबरशिप एंड वीटो पावर, तो वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास है। एंड आरओसी तो ताइवान गवर्नमेंट है, उनको इवन यूएन मेंबरशिप भी नहीं। तो चाइना क्लियरली सेज कि वन चाइना पॉलिसी है, मतलब ये दोनों को मर्ज होना है। ताइवान शुड सीक टू यूनिफाई विद द मेनलैंड। और ताइवान में ये है कि उनको मतलब इकोनॉमिकली भी वो काफी चाइना पे डिपेंडेंट है, तो एक स्टेटस को अनईजी स्टेटस को मेंटेन है, पर यूएस उनको सपोर्ट करता है बिकॉज दिस वॉज ऑल्सो कोल्ड वॉर एरा। तो कोल्ड वॉर टाइम पे ये जो ताइवान है उनको यूएन यूएस ने भी काफी सपोर्ट किया, यूएस ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया इन 1979 भी। एंड वन चाइना पॉलिसी और भी स्मॉल आइलैंड नेशंस वगैरह है जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं एज इंडिपेंडेंट नेशन, बट इट इज नॉट इवन अ यूएन मेंबर। हमने पहले भी डिस्कस किया स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं चाइनीज ताइपाई, तो वही है। तो एक ही चाइना है, आरओसी पीआरसी अलग अलग नहीं, ऐसा चाइना मानती है। फिर अगला न्यूज आइटम है, हेल्प अस एक्सपोर्ट मोर टू पाकिस्तान सेज पंजाब। तो पंजाब गवर्नमेंट चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस्लामाबाद के साथ निगोशिएट करे और एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में बढ़ाया जाए थ्रू द लैंड रूट, क्योंकि उरी अटैक्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद देखा गया कि एक्सपोर्ट्स काफी कम हो गए और इंडिया पाकिस्तान ट्रेड जो है वो इंडिया के फेवर में, तो ट्रेड बैलेंस इज इन फेवर ऑफ इंडिया, तो काफी ये पंजाब स्टेट भी इससे अफेक्ट हो रहा है। पर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम टू टेक दिस मैटर विद पाकिस्तान, तो अभी ये टाइम नहीं है कि हम उनसे ऐसी बात करें बिकॉज ऑलरेडी रिलेशंस आर ऑन द एडवर्स साइड। तो अब वही है कि आगे क्या होगा, पर पंजाब गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि इससे इवन हमारा जो CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है उनके साथ भी ट्रेड इंप्रूव होगा, वहां से भी हमारा ट्रेड अफेक्ट हो रहा है। क्योंकि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या है, ये फॉर्मर सोवियत यूनियन जो है कॉमनवेल्थ, जो यूके का कॉमनवेल्थ है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ अलग है, जो फॉर्मर कॉलोनीज थी उनको उन्होंने कॉमनवेल्थ करके बनाया है। इंडिया इज ऑल्सो मेंबर ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और ये जो सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो जो मेंबर्स आए उन्होंने सबने मिलकर एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया। तो जो तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ये सब भी है जैसे स्टेट्स है, तो एडजॉइनिंग है अफगानिस्तान के बियॉन्ड ये स्टेट्स आते हैं, तो ये भी CIS के मेंबर्स है एक्सेप्ट द बाल्टिक स्टेट्स। तो जो यूरोप ईस्ट यूरोप में जैसे आते लतविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, तो ये सारे इन्होंने ईयू मेंबरशिप भी ले लिए। तो जो स्टेट्स ये बाल्टिक स्टेट्स है जिन्होंने ईयू मेंबरशिप भी ले लिए, तो ये सोवियत यूनियन यू नो CIS में मेंबर्स नहीं है। तो ये वही है, CIS के साथ भी अपना ट्रेड इंप्रूव हो सकता है, वो भी पॉइंट रखा गया है। पर CIS के साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इन फेवर ऑफ CIS बिकॉज दीज आर ऑल्सो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। फिर अगला न्यूज आइटम है, रिमूविंग द प्राइस ब्लॉक। तो ये कॉरोनरी स्टेंट्स के बारे में है। तो ये स्टेंट्स आर्टरीज में डाली जाती है, तो कॉरोनरी स्टेंट्स जो होती है ये मैश होता है, तो इससे जो प्लाक होता है आर्टरीज में वो निकल जाता है और प्लाक आगे डेवलप ना हो उसके लिए ये जरूरी होता है ऐसे, तो ये अनक्लॉक करती है कॉरोनरी हार्ट डिजीज, हेल्प करती है इसको रिजॉल्व करने के लिए प्लाक प्रॉब्लम। तो ये जो स्टेंट्स इंडिया में है, तो इंडिया में 70% जो स्टेंट्स आते हैं वो MNCs प्रोवाइड करती है। तो ये सारी MNCs है जो स्टेंट मेकर्स है, इंडियन कंपनीज भी जो स्टेंट्स बनाती है। और ये काफी टाइम न्यूज में आ चुका है कि स्टेंट प्राइसेस काफी हाई है इंडिया में, तो स्टेंट प्राइसेस में काफी सारा कमीशन रखा जाता है और दिस मेक्स द स्टेंट प्राइस अराउंड 1000% हो जाती है इनकी प्राइस इंक्रीज। तो इतना सारा प्रॉफिट रखा जाता है जब, तो मतलब 100% प्राइस अगर प्रॉफिट है, मतलब 10 times 1000% मीन डबल हो गया, 100% अगर कमीशन कुछ है तो डबल हो गया प्राइस। 10,000% means it is 10 times the price, मतलब original price से 10 गुना price हो जाती है because of these commissions, margins kept by various hospitals also, doctors also, तो ये इसको regulate करने की जरूरत थी, क्योंकि इंडिया में भी even coronary artery diseases काफी ज्यादा है और इसके लिए ये stents काफी जरूरी है। तो इसीलिए National Pharmaceutical Pricing Authority ने अभी इनके prices को regulate किया है। तो दो टाइप के स्टेंट्स होते हैं, एक होते हैं बेयर मेटल स्टेंट्स, तो सिर्फ कवर मेटल स्टेंट ऐसे होता है उसके अंदर कुछ ड्रग कोटिंग कवरिंग नहीं होती है, और एक होती है ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स, तो इसमें ड्रग कोटिंग होती है तो ड्रग्स रिलीज होते रहे तो आगे भी प्लाक ना हो उसके लिए ये जरूरी होती है, इसकी लॉन्गर लाइफ भी होती है। तो इन दोनों की स्टेंट्स पहले कॉस्ट क्या थी और अब कॉस्ट जो कैप की गई वो दिखाई गई। तो मैक्सिमम कैप ये है कि बेयर मेटल स्टेंट्स की प्राइस होगी 7,260 एंड फॉर ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स 29,600। तो ये स्टेप लिया गया, विच इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। फिर अगला न्यूज आइटम है,
कैबिनेट अप्रूव्स कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स फॉर 44 स्मॉल ऑयल एंड गैस फील्ड्स। तो ये स्मॉल ऑयल एंड गैस फील्ड्स है जो अराउंड 15 साल पहले ONGC OIL इन्होंने डिस्कवर किया था, पर ये डेवलप नहीं हुई क्योंकि प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि बहुत स्मॉल साइज है रिजर्व का, आइसोलेटेड लोकेशन में है, डेवलपमेंट कॉस्ट ही काफी ज्यादा है, टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स थी, तो इसलिए डेवलप नहीं की गई। तो अब गवर्नमेंट ने इनको बिडिंग इनिशिएट किया, ऑनलाइन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग किया गया। इसमें अराउंड 47 कंपनीज ने अपनी बिड सबमिट किए, 43 उनमें से इंडियन है, 4 फॉरेन है। तो इनको अब बिडिंग में इनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा, तो ये ऑयल एंड गैस फील्ड्स भी डेवलप की जाएगी, तो इससे ऑयल जनरेट होगा इंडिया के लिए, विच विल बी बेनिफिशियल ऑयल एंड गैस। फिर अगला न्यूज आइटम है, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड पॉजिटिव ग्रोथ फॉर 5th कॉन्जिक्यूटिव मंथ। तो इंडिया में एक्सपोर्ट जो है वो 5th कॉन्जिक्यूटिव मंथ के लिए पॉजिटिव है, लेकिन लास्ट ईयर से जब कंपेयर किया जाए तो जो इंक्रीज है वो है काफी ज्यादा है। तो क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप जैन 2016 में देखो तो लास्ट ईयर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो ये बेस इफेक्ट भी आ रहा है, क्योंकि बेस इफेक्ट मतलब अगर पिछले साल ही बहुत कम होगा तो अगले साल आप जब देखोगे तो उससे कंपेयर तो आप नॉर्मल से ज्यादा ही हुआ है थोड़ा भी, तो लेकिन परसेंटेज इंक्रीज देखेंगे तो काफी ज्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर एक टेस्ट में एवरेज मार्क्स 80 out of 100 है, सब स्टूडेंट्स को एवरेज 80 out of 100 मिल जाता है, अगर लास्ट टाइम जो टेस्ट हुआ था उसमें भी एवरेज सबका 80 out of 100 था, पर आपका स्कोर 60 out of 100 था, तो आपका लास्ट ईयर का लास्ट टेस्ट का परफॉर्मेंस 60 out of 100 है। अब नेक्स्ट टेस्ट जब आपने दिया तो एवरेज तो 80 सबका आता है, पर आपका स्कोर 90 out of 100 है, तो जब आप अपना परसेंटेज इंक्रीज देखोगे तो आप एवरेज से तो आप 10 मार्क्स ज्यादा हुआ है, लेकिन अब आपका परसेंटेज इंक्रीज देखोगे तो दैट विल बी 60 to 90। तो वो होता है बेस इफेक्ट आता है कि अगर बेस पुराना बहुत कम था तो अब आप देखोगे तो इंक्रीज काफी ज्यादा लगेगा, तो फ्लक्चुएट होते रहता है, कोई साल में अगर बेस में कम है तो पिछले साल से कंपेयर करोगे तो वो बेस इफेक्ट आता है, तो उसको कहते हैं लो बेस की वजह से ये इंक्रीज भी है, वो भी एक रीजन है। और फिर गोल्ड इम्पोर्ट भी कहा गया है कि जैन में श्रिंक हुए हैं, और ओवरऑल अगर एक्सपोर्ट्स देखा जाए तो इम्पोर्ट्स भी इंक्रीज हुए, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए, इम्पोर्ट्स भी इंक्रीज हुए, ट्रेड डेफिसिट और वाइडन हुआ है, तो इम्पोर्ट्स काफी ज्यादा इंक्रीज होते हैं, हमारा इंक्रीज बाय 10.7%, दैट इज अ मेजर कंसर्न, ट्रेड डेफिसिट बढ़ते जाता है। और एक और पॉइंट जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है, ये कहा गया है कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स तो सब कंट्रीज में हो रहा है, पर काफी कंट्रीज में हो रहा है जैसे US, EU, जापान, पर चाइना में ये नेगेटिव जा रहा है, चाइनाज एक्सपोर्ट ग्रोथ काफी एक्सपोनेंशियली हाई गया, अब वो स्टेबिलाइज हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव ग्रोथ है, मतलब पिछले साल बहुत हाई ग्रो हुआ था तो अब वो कम हो रहा है, ग्रोथ रेट कम हो रहा है, तो यही बताया गया। फिर लास्ट न्यूज आइटम है, एन एंशियंट रेप्टाइल दैट गेव लाइव बर्थ। तो ये डायनोसेफेलोसॉरस है, ये फीमेल डायनोसेफेलोसॉरस की फॉसिल पाई गई इन यूनान प्रोविंस इन चाइना। तो ये डिस्कवरी में ये पता चला कि इसके अंदर एक बेबी के भी रिमेन्स है, डायनोसेफेलोसॉरस के अंदर, फीमेल के अंदर, तो वो बोन्स उसके एब्डोमेन के बोन्स में रिमेन्स ऑफ बेबी भी है, तो ये मतलब कि ये स्पीशीज लाइव बर्थ देती थी, तो ये एक्चुअली बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ डायनासोर बर्ड क्रोकोडाइल फैमिली, तो ये एक्चुअली एग्स ले करते थे, तो ये एक यूनिक डिस्कवरी है कि यहाँ पे ये लाइव बर्थ देते थे, और ये एक मरीन रेप्टाइल थी, मतलब पानी में रहती थी, और इसके लॉन्ग नेक है, अनयूजुअली लॉन्ग नेक भी पाई गई है इनकी, तो ये लाइव बर्थ जो है वो एक्चुअली मैमल्स देते हैं और एग लेइंग है, तो ओरिजिनल प्रिमिटिव एनिमल्स जो ये माना जाता है कि वो एग लेइंग थे, तो ये एक यूनिक डिस्कवरी है कि ये लाइव बर्थ देती थी, ये सामने आया है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो मरीन एनिमल्स है जनरली, जैसे हम देते हैं सी टर्टल्स, जैसे ऑलिव रिडली टर्टल्स भी, तो जब वो एग्स लेइंग होता है तो वो लैंड पे आते हैं एंड दे ले द एग्स, तो उससे काफी उनको एग्स को खतरा भी होता है प्रीडेटर्स से, वो इसीलिए अगर ये लाइव बर्ड्स देंगे मरीन में तो इनको प्रीडेटर्स से भी सेव किया जा सकता है, तो ये एक पॉइंट सामने आया है, ये आर्टिस्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्पीशीज है गिविंग लाइव बर्थ। तो यही है आज के न्यूज आइटम्स, थैंक यू।